सा गर्म मसाला इसे यहाँ से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये है पोहा जिसे हमने धो लिया है अच्छी तरह से, और हम इसको खोल लेते हैं। ये पक गया है देखिए, जल्दी हम पोहा को मिक्स कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग वीडियो। ऑफिशियल किरण के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं पोहा, चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए पोहे के लिए हमने ये सामग्री ली है। तो ये मटर है, प्याज लहसुन अदरक धनिया टमाटर, और ये है पोहा जिसे हम धोकर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, फिर कढ़ाई रखते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, इसमें तेल डाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये रिफाइंड डाला है हमने थोड़ा सा, देख सकते हैं तेल गरम हो रहा है, देख सकते हैं तेल गरम हो गया। इसमें हमने डाला है जीरा और हींग थोड़ा सा, तो जीरा ब्राउन हो गया। हम इसमें डालते हैं प्याज, देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और इधर देख सकते हैं चाय हमारी उबल रही है। फ्रेंड्स हमने इसमें प्याज डाल दिया है, सॉरी टमाटर डाल दिया है, इसी में हम मटर को भी डाल देंगे पकने के लिए, नहीं तो ये कच्चा रह जाता है बाद में, ये पक जाए इसमें से ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स हम इसको खोल लेते हैं, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं ताकि जल्दी गल जाए मटर, स्वादानुसार नमक डाल देते हैं, मिक्स करके फिर इसे ढक देते हैं तो मटर जल्दी पक जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मटर पक गए हैं। इसमें ये मैगी मसाले और कुछ थोड़ा सा गरम मसाला इसे यहाँ से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है पोहा जिसे हमने धो लिया है अच्छी तरह से, और हम इसको खोल लेते हैं। ये पक गया है देखिए, जल्दी हम पोहा को मिक्स कर लेते हैं, धीरे धीरे इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया अच्छे से इसको। और फ्रेंड्स ये हमने रखे हैं भुना हुआ चना है, और ये है सेव वाला नमकीन जो हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो इसे डाल के मिक्स कर लेंगे, फिर लास्ट में डालेंगे हम धनिया। तो फ्रेंड्स पोहा हमारा अच्छे से पक गया है, तो अब हम इसमें ये कटी हुई धनिया जो रखा था हमने इसमें मिला देते हैं अच्छी तरह से। गैस देख सकते हैं पोहा बन के हमारा रेडी है, हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है, और इधर हमारी चाय भी बन चुकी है, हमने इसको बंद कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा पोहा अभी रेडी है, और चाय भी हमने निकाल लिया है ट्रे में, सो अब खाने के लिए रेडी है। सो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ब्लॉग वीडियो कैसा लगा किचन का हमारा, सो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपना ढेर सारा प्यार दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, किचन का हमारा पोहा हमने बनाया था, सो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तभी के लिए बाय बाय।